वेलकम व्यूअर्स, आज के टॉपिक में हम जानेंगे सेलेक्ट के स्टेटमेंट के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सेलेक्ट के इसका एक जनरल सिंटेक्स है और फ्लो चार्ट है। तो सिंटेक्स, जो जनरल सिंटेक्स है सेलेक्ट के इसका, वो क्या है कि कीवर्ड सेलेक्ट केस, तो पहले हम लिख लेते हैं और फिर उसके बाद एक वेरिएबल यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम केस लिखते हैं, केस वैल्यू वन, तो कोड टू रन इफ द वेरिएबल इक्वल वैल्यू वन। यानी हमने कोई यहाँ पर जो वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है सिलेक्ट केस के बारे में, तो जब हम इनपुट देते हैं, कोई केस देते हैं, तो सिलेक्ट क्या, सिलेक्ट केस जो स्टेटमेंट है वो खुद ब खुद उस वेरिएबल, अगर यहाँ पर केस वैल्यू वन है, केस वैल्यू टू है, केस वैल्यू थ्री है, तो जो हमने यहाँ से इनपुट दिया है, तो जिस केस का वैल्यू मैच हो जाता है वही केस जो है वो रन होता है। तो उसमें जितने स्टेटमेंट्स हैं, जितने एक्सप्रेशंस हैं, तो सारे का सारा वो वाला जो केस है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से मैच होता है, यानी सिलेक्ट केस जो है वो एक सिलेक्ट कर लेता है, एक स्पेसिफिक एक केस कर लेता है। जैसे तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा तो वैल्यू वन देखा जाएगा, तो उसका कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से केस वैल्यू टू अगर मैच हो गया तो कोड टू रन इफ द वेरिएबल इक्वल्स वैल्यू टू। तो यहाँ पर जो हमने वेरिएबल में जो हमने इनपुट दिया है वो वैल्यू वन के साथ मैच हो गया तो फर्स्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर वो मैच वैल्यू टू के साथ हो गया तो सेकंड केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इन केसेस में से किसी के साथ वैल्यू जो है वो मैच नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है तो वो फिर बाद में जो भी रिमेनिंग जो केसेस हैं वो बाकी रन हो जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पर फिर एंड सेलेक्ट वाला कीवर्ड आ जाता है। तो इसका यहाँ पर फ्लो चार्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सब सिलेक्ट केस है, तो एक्सप्रेशन टू टेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने सिलेक्ट केस दिया, फिर एक्सप्रेशन टू टेस्ट, यानी जो वेरिएबल हम यहाँ पर इनपुट करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पर हमने इनपुट किया, तो अगर क्या होगा, फर्स्ट केस स्टेटमेंट अगर वो मैच हो गया पहले वाले स्टेटमेंट के साथ, पहला वाला केस जो उसके साथ मैच हो गया, तो इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, तभी जाके ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो इस तरीके से पहले एक्सप्रेशन आ जाता है, तो जो वैल्यू, यानी जो अभी हमने देखा कि जनरल सिंटैक्स पे वेरिएबल जो है जो वैल्यू दिया गया है, तो उसी को यहाँ पर समझाया गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि सेलेक्ट केस जो है वो देखिए, तो वहां से वैल्यू क्या आता है, तो वही क्या होता है, एक्सप्रेशन टू टेस्ट। तो उसके बाद वो देख लेता है कि फर्स्ट केस है, ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट केस ट्रू हो गया तो आगे जाके फिर जो उसमें जितने भी स्टेटमेंट्स एक्सप्रेशन वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसी तरीके से एक्सप्रेशन जो टू टेस्ट अगर सेकंड केस स्टेटमेंट के साथ मैच हो गया, तो फिर सेकंड वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके थर्ड, इसी तरीके फोर्थ, और इसी तरीके से अगर कोई नहीं हो गया तो केस एल्स जो है, यानी डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है, इफ नो कंडीशन इज ट्रू, तो एल्स वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर केस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगी। तो जैसे एग्जीक्यूट इनमें से कोई भी केस हो जाएगा, इसी के साथ तो एंड सब हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि इस वाले ये जो है सेलेक्ट केस, इसको हम किस तरीके से किसी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सब रूटीन बना हुआ है सब प्लेयर, तो ये मैंने सब रूटीन एक बनाया हुआ है प्लेयर्स के। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर गेम्स हैं, तो किस गेम में कितने प्लेयर हैं, तो ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है डिम गेम एज स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जो गेम है उसका डाटा टाइप क्या है, वो स्ट्रिंग है, तो गेम क्या एक वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल में क्या जाएगा, एक इनपुट जो वैल्यू जाएगा, तो ठीक है, उसको इनपुट बॉक्स से हमने दे दिया, तो गेम इज इक्वल्ड, तो ठीक है, जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया, तो वेरिएबल में हमें कोई वैल्यू दे देना है, तो गेम इज इक्वल्ड इनपुट बॉक्स, यहाँ पर एक फिर वहां पर डायलॉग बॉक्स में एक स्टेटमेंट आएगा, टाइटल आ जाएगा, एंटर द नेम ऑफ द गेम। तो फिर क्या है, यहाँ पर जैसे कि आपने देखा जनरल सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट केस, सिलेक्ट केस के बाद हम क्या देते थे, वेरिएबल दे देते हैं, जैसे कि आप देखने जनरल सिंटेक्स में भी आपने देखा, तो देखिए सिलेक्ट केस के बाद हम क्या देते हैं, वेरिएबल दे देते हैं, यानी जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ उसके बाद क्या है, केस वैल्यू वन और फिर उसमें स्टेटमेंट्स। तो इसी तरीके से आप देखिए, तो बिल्कुल वैसा ही है, सिलेक्ट केस और यहाँ पर हम वेरिएबल दिया, वेरिएबल क्या लिया हमने, गेम लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है केस, ठीक है, वो वैल्यू वन था तो हमने पहले क्या लिया, केस टेंस लिया है। तो अगर, तो इसमें मैसेज बॉक्स क्या है, टू प्लेयर्स, यानी अगर हमने वहां पर इनपुट दिया टेंस,
तो ठीक है, वो गेम उसमें जो गेम जो यहाँ पर वेरिएबल है उसका वैल्यू इसमें चला जाएगा, और सिलेक्ट केस जो है वो देखेगा कि कौन सा वैल्यू आया, तो अकॉर्डिंगली उसी केस को एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह अगर वो नहीं होगा तो अगर वो फॉल्स हुआ तो केस, अगर हमने क्रिकेट लिखा तो यहाँ पर देखिए फिर मैं केस टू में जो है मैंने क्रिकेट लिखा हुआ है तो मैसेज बॉक्स 11 प्लेयर्स। इसी तरह केस जो है वॉलीबॉल है, मैसेज बॉक्स 5 प्लेयर्स हैं। और फिर केस जो है बेसबॉल है, यहाँ पर मैसेज बॉक्स 9 प्लेयर्स हैं। और लास्टली क्या है, केस एल्स, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ तो एल्स जो है बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो मैंने डिफाइन किया मैसेज बॉक्स से, आई हैव नो आइडिया, तो हमें क्या करना पड़ता है, एंड सेलेक्ट, यानी यहाँ पर जो सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये एंड हो रहा है। तो इस तरीके से हमें ये प्रोग्राम लिखना है, तो इस तरीके से हम सेलेक्ट केस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको रन करके क्या आउटपुट आता है। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर रन करके हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया, इनपुट डायलॉग बॉक्स, एंटर द नेम ऑफ द गेम। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जैसे मैं टेंस मैंने लिखा, ठीक है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, टू प्लेयर्स आ गए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम और भी कोई गेम लिख लेते हैं, तो इसको दोबारा से रन करता हूँ मैं यहाँ पर लिखूंगा बेसबॉल, ठीक है, तो बेसबॉल मैंने लिख लिया है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे 9 प्लेयर्स आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक जो है यहाँ पर हर एक जो भी हम गेम देंगे तो वही केस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई ऐसा ऐसे कोई गेम देंगे जो यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई है, तो जैसे हम हॉकी लिख लेते हैं, ठीक है, तो हॉकी मैंने लिखा, मैं ओके करता हूँ, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सिलेक्ट केस जो है ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फीचर क्या है सिलेक्ट केस का, कि देखिए जैसे हम अभी इससे पहले हमने वीडियो में हमने डिस्कस किया था इफ एल्स स्टेटमेंट, मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट्स हमने किए थे, मगर जब हम वहाँ पर वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि हर एक स्टेटमेंट को वहाँ प्रोग्राम जो है ब्राउजर जो चेक करता है, ठीक है। तो जिस जहाँ पर वो ट्रू हो जाता है तो वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, मगर सेलेक्ट केस का क्या है कि यहाँ पर हर एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, बल्कि वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा जिसके जिसके साथ जो इनपुट है यानी वेरिएबल जो हमने यहाँ से दिया है, वैल्यू जो दिया है वो मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन जो टाइम में भी वो कम लगता है, ठीक है। तो हर एक इसे हर जो है हर एक स्टेटमेंट जो है पहले रन नहीं हो जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हर एक स्टेटमेंट जो चेक नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट जैसे कि इफ एल्स में हो जाता है कि हर एक मल्टीपल जो एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट है वो हर एक स्टेटमेंट वहां पर चेक हो जाता है, ठीक है, कंडीशन चेक हो जाती है। मगर सेलेक्ट केस में क्या है कि जो उसके साथ तो जो ही हमने यहाँ से इनपुट दिया है तो जो जो केस जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है तो जिस केस के साथ वो मैच हो जाएगा वही वाला जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एक फीचर है, एडवांस फीचर है, ठीक है। और ये एफ एल से थोड़ा एडवांस इस लिहाज से है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है, और एज कम्पेयर टू एल्स इफ स्टेटमेंट से बेटर है, ठीक है। तो व्यूअर्स हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है सिलेक्ट केस जो है हम किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसका जो जो जनरल सिंटेक्स है और फ्लो चार्ट है किस तरीके से काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी चैनल गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।